श्रीलंका से इट वाज अ बर्मा मैच वी डिड 72 देन दे वन दे वन वैसे तो देखा जाए तो पाकिस्तान से ये हकीकी और दूसरे नाम सारे खत्म होने चाहिए तो आई थिंक व्हाटएवर वी हैव बीन सेइंग सो फार आई थिंक यू ऑल हैव व्हाट्स अप हर्ड अबाउट इट राइट आई थिंक सो लेट्स गो स्ट्रेट अवे विद Q&A इफ यू हैव एनी क्वेश्चन व्हाटएवर वी हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 10 डेज एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन राइट क्वेश्चंस या बेटर है तो क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं असफर भाई करना चाहेंगे सईद भाई My question is that he was in the MCOM before. Introduction. My name is Syed Ahmed. I am from Pakistan Post Karena, right? My question is that you long time you've been in the MCOM 28 years, you have served there. Suddenly you change from there and come to the new party. So what's the background behind this and who is behind you? It's nothing for one person to come stand up and go all the way down. Well, behind me and up me, there's a God actually who's behind me, and I trust in God. And God has with the courage and this, all this courage and trust which I have, that is from the Allah Ta'ala which was giving me this courage. There's nobody behind me. I mean, whatever people have been saying, as a commentator. Is there any invisible forces and all people who come to visit us, people who see us here, the kind of infrastructure we have, the kind of house we have, the kind of inappropriate arrangements we have, had anybody behind this whole cause, I would have contacted a couple of dozen of people before landing here in Karachi. So Anis Khan Bhani and myself, both just travel alone. We came here, we wrote that invitation, we called the press conference, and then we announced it, whatever we had to say. So that was it, and then people started coming in. So had that been the case, I would have contacted, at least Dr. Sagir, I would have contacted him, and he would have been the third person at least, and we would have had dozens of people with us, in our first press conference. So this. It is a pure cause, and we never even thought in our wildest day that these many people will be responding to us. Thank you. मेरा नाम नदीम है और मैं पाकिस्तान टाइम से हूँ. मेरा सवाल आपसे ये है कि इससे पहले जो भी जमातें थीं, मुस्लिम लीग की भी कुछ जमातें बनी, लेकिन जो एक्चुअल मुस्लिम लीग है वो इंटैक्ट रही. पीपल्स पार्टी का भी यही सिलसिला रहा, हालांकि पीपल्स पार्टी को भी तोड़ने की कोशिशें की जाती रही हैं माजी में, और एमकेएम के साथ भी ग्रुप बनते रहे हैं, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ. तो आप अपना सक्सेस रेट क्या देख रहे हैं? देखिए सर, हम जो अगर मैं और अनीस खान खानी साहब जब ये सोचकर आए थे, तो हमने अपना एक सक्सेस की जो बेंचमार्क रखा था, वो ये रखा था कि हम जाकर ये बात कर लें. ट्रस्ट मी फॉर दैट. हमने तो ये वाला सिलसिला सोचा ही नहीं था कि ये रिस्पॉन्स होगा लोगों का. मैं आपसे कह रहा हूँ, 3 मार्च को 3:30 बजे जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, तो हम सक्सेसफुल हो गए. We have already been successful. I mean, getting that. I don't know whether you believe it or not, but हमने ये काम जो है वो इसलिए किया है कि हम अपने मरने से पहले जो सच हमें पता है, जो हमें पता थी सारी चीजें, अल्लाह ताला ने हमें इतना नवाजा है. मेरा नाम भी खराब होने दिया, मुझे कहीं गिरने नहीं दिया. लेकिन don't forget, 3 साल पहले मैं अपनी सेनेटरशिप छोड़कर गया हूँ. I was elected senator till 2018. अभी 2016 में हम. मैं 3 साल पहले, मुझे सिर्फ 6 महीने हुए थे सेनेटरशिप की. जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है. After 6 months I left and I resigned. And you remember, not even a single word MQM uttered all these 3 words against me. In fact, on the contrary, वो तो मुझे बुलाते रहे 3 सालों तक. वो तो मुझे टीवी पे आके बुलाते रहे. तो हमने तो उसको ये फैसला कर लिया था, और हमने ये कहा था कि चल ठीक है, ईमान के जो निचले दर्जे का तकाजा ये होता है कि आप कम से कम बुराई को बुराई समझकर दिल में अपने आप को उससे अलग करने. हमने वो कर लिया, लेकिन हमने हमें अल्लाह ताला ने नहीं गिरने दिया. नहीं, हमारा नाम खराब हुआ. हमें बड़ी मेहरबानी थी अल्लाह ताला की. मैं बहुत ही पीसफुल जिंदगी गुजारा था, अच्छी जिंदगी गुजारा था. लेकिन कराची से खबर
जाकर असला चलाने की ट्रेनिंग हासिल करो, वो कह रहे हैं कि जनाब गली गली में खून खराबा होगा, खून बहेगा गली गली, वो कभी जर्नैलों को रात में गाली बक के सुबह उनसे माफी मांगते हैं, कभी पॉलिटिकल पार्टीज को गाली बक रहे हैं, कभी वो एंकर को गाली बक रहे हैं, ऑल ऑन रिकॉर्ड। और उनकी पूरी ये कोशिश है कि किसी तरीके से यहाँ पर ब्लडशेड हो, किसी तरीके से लाशें गिरे। अच्छा मान लिया कि भाई कोई कॉज हो, हम भी पहले समझते थे कि कोई कॉज है, कोई बड़ा ही बहुत बड़ा मैसेज है, कोई बहुत बड़ा हमें हमें लोगों के हुकूक हासिल कर रहे हैं, तो चलो इसके लिए जाने जाती है तो कोई मसला नहीं है। हमने ये देखा है कि भाई इन सारी चीजों के बावजूद जब भी जो जो भी लड़के पकड़े जाते हैं चीजें उनको तो ये ऑन ही नहीं करते, किसी तरीके से ऑन नहीं करते। और मुझे पता था कि हमें पता है इस चीज का कि भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहां का सारा हिसाब किताब हम दे चुके थे, तो हमें ये लगा कि ये फिर एक तरफ ब्लड शेड पे जाएंगे। तो इन ऑर्डर टू सेव इनोसेंट लाइफ के लोगों को। अच्छा फिर दूसरी बात ये कि तमाम रॉ की इन्वॉल्वमेंट पूरी दुनिया को बता चुके हैं, स्कॉटलैंड यार्ड को बता चुके हैं, रहमान मरिस साहब को बता चुके हैं, तमाम दुनिया को ये सारी चीजें जो है वो पता है। नहीं बता रहे तो अपने कारकुनों को नहीं बता रहे। तो हमने आके आपने सुना होगा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आके यही बात की कि भाई आप अपने लोगों से तो सही बोले, फिर जिसको आपके साथ खड़ा होना होगा कल को अगर वो मारा जाता है, कल को पकड़ा जाता है, तो फिर उसका अफसोस नहीं होगा, उसको पता है कि वो किस पार्टी के साथ किस काम के लिए खड़ा है। भाई बीएलए बीएलए है ना, बीएलए पाकिस्तान की तंजीम, पाकिस्तान में तंजीम चलती है बलोच लिबरेशन फ्रंट, तो बीएलए वाले जब मारे जाते हैं उनको भी पता है भाई उन्होंने मार देना है या मर जाना है, तो वो तो नहीं जो है वो यहाँ पर वावेला करते हैं। तालिबान है यहाँ पर, वो कहते हैं मार देना है मर जाना है, उनको भी पता है कि भाई स्टेट को स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप जो है वो अपने लोगों को कह रहे हैं कि आप बहुत ही मूल में वतन आदमी है, आप जो है वो गरीबों के लीडर हैं, आप जो है वो सुबह दोपहर शाम जो है वो बहुत ही अजीब नसीब की जिंदगी गुजार रहे हैं, बाहर वालों का आपने सर बचाया हुआ सारा। तो हमने आकर ये बात की कि नहीं, हमारा मकसद ये था कि भाई ये सिलसिला जो है वो बंद होना चाहिए। हमने आके जो है वो लोगों को सच बताया है और हमने लोगों को आवाज दी, इतना हमने लोगों को सिर्फ और सिर्फ दावत देना था और हमने लोगों को दावत दी। हमें नहीं पता लोग हिदायत देंगे, हमारी बात मानेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो दिन है और आज का दिन है कि हम सुबह से शुरू होता है हमारा काम और अभी सुबह लोगों का जो है वो तांता बंधा होता है। तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि यू आर इन अ कन्फेशन फेज और व्हाट? अच्छा सॉरी आपकी बात, आपकी आवाज नहीं आई। कन्फेशन फेज में है या क्या, मतलब जो बात आपने की उससे ऐसा फील हुआ? आई कांट हियर यू सर, आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू, आपकी आवाज नहीं आ रही। कि हम किसी कॉन्फेशन फेज में तो नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मतलब जो कुछ हमने किया है, जो कुछ एमके में होता रहा है, क्या वो तमाम जो गलतियां हैं वो आपके सामने हैं, अब आप उन चीजों को करेक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब फॉर योर सेइंग? बिल्कुल, देखिए आपने मैं आपके सॉरी पिछले सवाल के जवाब में से एक टुकड़ा दूंगा, आपने पीछे आपने अपने सवाल में कहा कि दूसरों में हमने पहले की कोशिशों में और अब में क्या फर्क है। डेफिनेटली आप रिफ्लेक्ट करने के 1992 में जब हकीकी भी आई थी और अभी हम क्या करने जा रहे हैं। देखें जब हकीकी आई थी 1992 में तो उस दिन शहर में 18 लाशें गिरी, एमक्यूएम के कारकुनों के घरों के ऊपर कब्जे हुए, उनके ऑफिसेज पे कब्जे हुए, सेक्टर ऑफिस यूनिट ऑफिसेज पे कब्जे हुए, फिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बाकायदा माइग्रेशन हुई। अल्ताफ हुसैन साहब की तस्वीर में बड़े बड़े होर्डिंग्स पे जो है वो कालत मली गई, उनकी तस्वीर में जूतों के हार पहनाए गए और शहर में एक कश्त खून पूरा एक माहौल था और अरसे दराज तक रहा। आप किसी से भी पूछवा लें, आप लोग यहाँ पे साफ, यहाँ पे डीएसएनजी लोगों की लगी नहीं है, यहाँ पर जो है वो तमाम वक्त जो है वो साफी और कैमरामैन रिपोर्टर्स रहते हैं। हम जब से आए हैं हमने किसी को एक पत्थर भी नहीं मारा, ना हमने किसी को मारने की कोई तकलीफ दी, बल्कि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं हमने जो पहले दिन जो कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है कि भाई आप अगर हमारे फॉलोअर हैं तो आपको अपने मुखालफीन की भी इज्जत करनी पड़ेगी, आपको उनके साथ भी इज्जत से एहतराम से पेश आना पड़ेगा। हम एक नया कल्चर लाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में जो तशद्दुद जोर जबरदस्ती की सियासत से बिल्कुल अलग हो, और ये जो लोगों को लड़कों को अपने मकासद के लिए दहशतगर्द बना दिया गया, रॉ का एजेंट बना दिया गया और मजीद लोगों को उस तरह धकेल रहे हैं। लेकिन ये कराची उर्दू बोलने वाली जो कम्युनिटी पढ़े लिखे लोग हैं, ये मुझ पे वतन लोग थे, दहशतगर्द टैग लग गया, तहजीब याफ्ता लोग मशहूर थे पर तहजीब हो गए, ये शहर में जो वो अमन का शहर था ये बदअमनी का शिकार हो गया। तो हमने इसको कल्चर को चेंज करना और ये बिल्कुल कोई इसका कंपैरिजन नहीं है पहले की तमाम कोशिशों से और इस कोशिश में। अच्छा थैंक यू।
उर्दू पोस्ट से मुंसलिक हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो कुछ आपको इस वक्त नजर आ रहा है, ये इससे पहले क्या आप डार्क में थे किसी दौर में, और या ये आपको क्लूज मिलने शुरू हुए, ये कब से ये प्रोसेस हुआ है? देखिए अफवाहें और ये हमारे पास से लोग बातें हमसे करते थे, हम तो 1992 से सारी बातें सुनते चले आ रहे थे, लेकिन आपको मैं बोलूं यकीन करें कि हम इसको सही नहीं समझते थे। हम इन बातों को हम समझते थे साजिश हो रही है, ये हम निचले हम डेफिनेटली हम लोअर लेवल के कारकुन थे, हम ना राबता कमेटी में थे ना ना थे वो। फिर राबता कमेटी में आए, एमपी बने, वजीर बने, जब भी जो है वो सारा नहीं पता था। फिर ये डॉक्टर इमरान फारूक के कदम के बाद जब उनके घर से स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो बहुत सारे दस्तावेजात दे जाती है, और अनवर साहब और तारिक मीर साहब और अल्ताफ हुसैन साहब को इंटेरोगेट करती है, फिर बुलाए उन्हें डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो 2012 के आखिर में हमें हुक्म होता है, मैंने नाम नहीं बताया, मैंने अपना और अनिस खान खानी साहब का नाम बताया और रहमान मलिक साहब का सिर्फ नाम लिया। पार्टी के 8-9 अफराद और थे जिनको मैं जिंदगी में जिंदगी खैर मैं मुश्किल नहीं पैदा करना चाहता, इनको बुलाया गया दुबई, कैनवर साहब और तारिक मीर साहब लंदन से आ रहे हैं और ये ब्रीफ करेंगे, और इन्होंने फिर आकर पहली दफा ऑफिशियली अपने मुंह से ये बताया कि भाई हमने जो है उस स्कॉटलैंड यार्ड को क्या क्या बताया है, क्या क्या उनको पता है, और उनमें सारी बातें जो है वो शामिल थी, इंक्लूडिंग कि हमने क्योंकि हमने कहा उनसे पूछी भी वाली बात कि भाई आपने कोई और बात करते किसी तरह से आपने उसको, उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, उनके पास जब हमने 10-15 मिनट की बात उन्होंने सारी चीजें जो है वो एविडेंस को देना शुरू कर दिए। ये दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जो कि जब हमें पता चला ऑफिशियली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि भाई ये सारी कहानी है और ये सच बात है सारी। फिर ये बात थी 2012 के एंड की, अगस्त 2013 में मैं अपनी सेनेटरशिप छोड़कर, मैं राबता कमेटी का मेंबर था छोड़कर, मैं अपना घर छोड़कर, अपने शहर छोड़कर, अपने शहरों को छोड़कर मैं हमेशा के लिए जो है यहाँ से चला गया, रिजाइन करके चला गया। दिस नो प्रेसिडेंस इन पाकिस्तान और इन द पार्टी फॉर लास्ट 30 इयर्स कि किसी ने एक काउंसलरशिप की सीट भी छोड़ी हो। पाकिस्तान में 25 करोड़ की आबादी में 104 लोग हैं सिर्फ सेनेटर, 104 पीपल अपर हाउस में, एंड आई वाज वन ऑफ देम। बहुत बड़ा चार्ट होता है यहाँ पे, मेरे आगे पीछे भी जो है मोबाइल वो स्कॉट चलती थी, सब चीजें थी, बट आई जस्ट लेफ्ट इट, आई जस्ट यू नो गिव इट अप, और मैं चला गया, मैं मुल्क से चला गया। और उसके बाद मैंने आपको आने की वजह बताई कि भाई ये खराबियां रुक नहीं रही थी, हमें सच पता था, हम सिर्फ आवाज लगाने, हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा रिस्पॉन्स आएगा लोगों का, इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। हम तो सिर्फ मरने से पहले हमें जो पता था लोगों को सच बोलना चाहते थे और वो हमने किया। मैं मुझे सिर्फ आपसे इतना पूछना है कि अल्ताफ हुसैन जो कि एक वर्किंग पर्सन नहीं है और इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और बहुत बड़े घर में बैठे हुए हैं, कभी आपने बहैसियत पार्टी कारकुन और फिर जब आप अपनी इस पोजीशन पे गए तो आपने कभी ये नहीं पूछने की कोशिश की कि वहाँ का खर्चा कौन उठा रहा है, वो सॉरी टू से वो शराब और जिन चीज़ों में पड़े हुए हैं तो उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बाद में आया है, एक बहसियत कारकुन के ये सवाल करना हम सबका हक है और फर्ज है, राइट? तो आप लोग में से किसी ने आगे बढ़ के ये सवाल क्यों नहीं किया? देखिए जी, अल्ताफ हुसैन साहब के घर जो है ना, वहाँ पे पार्टी के 4 से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है घर वहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे घर पे कोई नहीं जाते, तो आप टीवी पे आने लगा है ना। हमें तो जो हम पहली दफा तो घर गए 2012 में नंबर 1, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच कहूंगा, हमें पता था, हम तो भाई लॉयल लोग थे, हमें तो घर बड़ा लगता ही नहीं था देखने के बाद भी हमारे, हम मैं क्यों कहूंगा जी, मैं बहुत हमने जो है नहीं, हमने हमें भी जो है वो हमें भी अकल आते आते हमारे सामने पर्दे खोलते खोलते सारे टाइम लगा, मैं क्यों कहूंगा नहीं, मैं पहले दिन से जो बहुत हमने जो है मैं बिल्कुल के मैं बोलूंगा कि नहीं ये है, और हमें ये लगता था, हमें नहीं पता था कि ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, हमें लगता था भी लोगों को, हमें जो ये पता था कि दुनिया भर से लोग चंदा देते हैं, फंडिंग करते हैं,
पाकिस्तान में जाता है, तो ये सब कुछ जो है वो हमारे सामने डेफिनेटली वो तो बैठ कर वो ड्रिंक नहीं करते थे हमें, तो फिर जब तकरीरें होने लगी उनकी, जब उनको रात के उनकी कॉलें आने लगी, तो फिर ये सारे अंदाजे होने लगे, चीजें होने लगी, फिर हमने कोशिशें भी बहुत की है, तो ये ग्रेजुअल हुआ है सारा। बट उससे यस आप जो कह रही है ठीक बात है कि हाँ शायद जो है वो पूछना चाहिए था, लेकिन किसी पार्टी में किसी पार्टी में ये कल्चर नहीं है। क्या जरदारी साहब से कोई पूछ सकता है, क्या नवाज शरीफ साहब से कोई पूछ सकता है, क्या इमरान खान साहब से कोई पूछ सकता है, पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है। और मैं भी मानूंगा कि नहीं भाई अल्ताफ हुसैन साहब के साथ, अल्ताफ हुसैन साहब से भी कोई रहते हुए कैसे पूछ सकता था ये वाली बात, नहीं पूछ सकता था। अच्छा ये बताइए, जैसे सूबाई खुद मुख्तारी है या कोटा सिस्टम है या जो भी इश्यूज थे जिसके बुनियाद पे एमके पावर में आई थी, वो तो आज तक एड्रेस ही नहीं हो सके। और आज जो कराची की सूरत हाल है, सारी रोडें और सारी गलियां और तमाम चीजें पानी उबल रहा है और बुरा हाल है वहाँ, तो ये बताइए कि आपके पास क्या एजेंडा है, मतलब क्या आप तो क्या समझते हैं फ्यूचर में किस तरह ये हालात बेहतर हो सकेंगे, कराची की क्या फ्यूचर है? ये तो यकीन करें शहर तो 6 महीने में बन जाएगा सर, शहर तो बनना कोई मसला नहीं है, शहर दोबारा 6 महीने में बन जाएगा, दोबारा खड़ा हो जाएगा शहर, शहर बना भी था पहले दोबारा बन जाएगा। लेकिन ये जो दिल टूट गए ना सारे, ये जो नफरतें बोली गई हैं शहर में, आपको अंदाजा है नहीं है, शहर में एक इलाके से दूसरे इलाके में लोग जाते नहीं है, एक एक इलाके में शहर के अंदर भी इलाके बैठे पटे हुए, एक इलाके वाला अपना इलाके वाला दूसरे लियारी वाला का रणछोड़ लाइन में नहीं जाता, रणछोड़ लाइन वाला जो है वो लियारी में नहीं जाता, खड़ी पहाड़ी वाला बस रोड वहाँ कस्बा अलीगढ़ नहीं जाता, कराची में जो परसेंटेज है कोटा सिस्टम लगा हुआ है, कराची सर्कल हैदराबाद के लोग जा ही नहीं सकते अपनी एप्लीकेशन देने के लिए किसी पोजीशन के लिए, ना उनका कोई कोटा था जिसके अंदर वो हायर सर्विस में जा सकते थे, ना यूनिवर्सिटी का एक्सपेंशन कोटा था, मेडिकल कॉलेज का था, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 2% कोटा आज तक तो खत्म हुआ नहीं, 25 साल आपकी हुकूमत रही है, आफ्टर ऑल यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, उस वक्त सब सोए रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा, अब आप क्या करेंगे चेन्नई जमात को लेके? सर देखिए कैरेक्टर वाली लीडरशिप होनी चाहिए, कैरेक्टर वाली लीडरशिप होनी चाहिए, ठीक है, अगर कैरेक्टर नहीं है लीडरशिप का ना तो वो किसी बात पे स्टैंड ही नहीं कर सकता। भाई आप तो साथ ही थे ना, सॉरी टू इंटरप्ट, आप तो साथ ही ना स्ट्राइकर के उस कलेक्टर के साथ, आप भी तो साथ ही थे ना 28 साल तक, हमारे बच्चे तो दूर गए ना, हमारा भाई बहन जो वहां रहते हैं। बट सर मेरे कैरेक्टर को लोग जानते हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, वो कैरेक्टर को मेरे कैरेक्टर लोग जानते हैं, जब हमारे पास कुछ करने का टाइम आया तो हमने डिलीवर करके, आज अगर 30 सालों में कोई काम हुआ हुआ शहर का तो हमारे ही टाइम का हुआ हुआ काम, बिल्कुल सही बात। ये जानते हैं लोग कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ने अपनी काउंसलरशिप भी नहीं छोड़ी है, हम जो है वो सेनेटरशिप छोड़ कर गए, ये नॉर्मल दुनिया में कहीं और होगी ये वाली बात, नॉर्मल पाकिस्तान में नहीं रिजाइन करता सर कोई सेनेटरशिप से, 25-25-30-30 करोड़ रुपए देते हैं पाकिस्तान में लोग सेनेटर बनने के लिए, कैरेक्टर फिर आज तक कोई हम पर कोई एक उंगली नहीं उठा सकता है शहर में कि मैंने 300 मिलियन रुपीज अपने हाथों से खर्च किए, हमने जो वो आज तक हम पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं, कैरेक्टर है नंबर वन। नंबर टू ये कि यस 28 इयर्स इनके साथ रहे, लेकिन भाई साहब हम डिसीजन मेकर नहीं थे, नोबडी वाज अ डिसीजन मेकर, वन सिंगल पर्सन वाज अ डिसीजन मेकर एंड इज द डिसीजन मेकर एंड दैट पर्सन इज अल्ताफ हुसैन, वो डिसीजन करते थे ना, हम तो
हम लोग तो रिसीविंग एंड पे थे, यकीनन हमें जो है वो आप हमें हमें इससे पहले छोड़ देनी चाहिए थी सारी, लेकिन डेफिनेटली पहले दिन तो हमें सारी चीजों को नहीं पता था। तो जो आपका सवाल है कि हाँ वो उसमें मैं समझता हूँ कि जो बात है वो ये कि इन सारे हुकूक का तहफ्फुज़ उसी वक्त हो सकता है कि जब ऐसे लोग हों कि जो के जिन जो अगर अगर लोगों के मैंडेट लेकर अगर वो लोगों के हुकूक के लिए आवाज उठाएं, तो ऐसा ना हो कि अरबाब अख्तियार उनको उनकी एफआईआर दिखाएं, अरबाब अख्तियार उनको उनका चेहरा दिखाएं। आपके अगर केसेस मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा हो, मर्डर का केस चल रहा हो, लंदन में केस चल रहा हो, पाकिस्तान में केस चल रहा हो, आप तरह तरह की बातें कर रहे हो, तो आप अपने शनाख्ती कार्ड के लिए तो मुजाहरा कर सकते हैं कि आपको लंदन वाले शनाख्ती कार्ड नहीं दे रहे, लेकिन आप लोगों के हुकूक के लिए मुजाहरा नहीं कर सकते और उनको एविडेंस सामने आपके सामने। तो वो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो यकीनन हुकूमत में है, आपको आपको ऐसी 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 लीडरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी कि जो कॉम्प्रोमाइज उसूलों पे ना करे और जिसके पास अपना बैगेज ना हो। जी मुस्तफा साहब, तौसीफ सैयद नाम है मेरा, उर्दू पोस्ट न्यूज़पेपर है यहाँ पे हमारा। मेरे आपसे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो अभी पिछले दिनों आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी बहुत सारे हमारे मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो पिछले दिनों आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बहुत सारे हमारे साथियों ने कनाडा अमेरिका में बहुत जायदादें बनाई हैं। एक तो उनके कुछ किसी के नाम बता दें, दूसरे नंबर पे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब आपसे खासे खफा हैं और आपके हवाले से काफी कॉलम लिख रहे हैं, तो क्या वो ये मुखालफत आपकी पुरानी चल रही है या ये नई शुरू हुई है, उनके हवाले से कुछ बताइए। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के बारे में तो मैं जो है वो किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा और आप देख लेंगे कि अभी वो कहां थोड़ी दिनों में वो खड़े होते हैं, वो किधर जाते हैं, इसलिए वो अपनी शायद जगह बनाने के लिए किसी को पुश करने के लिए कर रहे हैं, बट नो कमेंट ऑन हिम। मेरा इशू जो है वो कोई पर्सनैलिटी या कोई ऐसी है नहीं, कुछ भी करते रहे कॉलम लिखने से और बुराई करने से जो है वो बिल्कुल उनका हक है जी, उनका उनकी राय है और हमें इसी कल्चर को फरोग देना बिल्कुल करें जिसको जो दिल चाहता है। पीपल आर दी बेस्ट जजेस और लोग अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारी बात समझ रहे हैं, हमारी बात मान रहे हैं। जहाँ तक आपने जो है वो जायदादों की का मेरे पास बिल्कुल सारी डिटेल है, मेरे पास शिकागो की भी डिटेल है, मेरे पास कनाडा की डिटेल है, लेकिन मैं आपको दूंगा नहीं अभी, नाम बताऊंगा नहीं अभी आपको, नाम मुझे बताना होगा तो मैं उसी वक्त बताता नाम, मैं आपको नाम बताऊंगा नहीं, मेरे पास है सारी डिटेल। बट मेरी पूरी पूरी हमारी जो इंटेंशन है ना, वो इंटेंशन ये नहीं है कि हम जो सिर्फ हम सिर्फ एक आदमी को हिट करके बस हमने ये काम करना है, हमें आगे भी टू मूव ऑन। जितनी जरूरत थी अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा है, नहीं करे, इतनी जरूरत थी वो बात कर दी लोगों को समझाने के लिए, लोगों को रेफरेंस देने के लिए, और मैं अगर बात करना चाहे तो फिर तो पता नहीं कितनी कहानी है सारी। तो लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए काम करना है, अच्छे काम करना है, वी आर टू मूव फॉरवर्ड। कि अब हमारा पैकेज क्या है आगे का, हम ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मसरूफ हैं दिन और रात, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले हफ्तों में आप महीनों में देखेंगे कि बहुत ही प्लेजेंट किस्म की का जो एनवायरमेंट यहाँ पर इटसेल्फ, आप देखेंगे जो उर्दू बोलने वाले हैं जो खुद को टैग करते थे और वो शर्मिंदा होते थे, हमने उर्दू बोलने वालों को कम से कम इन दस दिनों में उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहाल की है, हमने उनको उनकी जो जो इज्जत नफ्स मजरूह हुई भी थी कि तमाम उर्दू बोलने वाले चाहे वो एमक्यू में ना भी हो, लोग उनको टैग करते थे कि उर्दू बोलने वालों की एक जमात है, उसका उनके कायद अल्ताफ हुसैन साहब है, और वो सुबह और शाम जो अल्फाज और जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं उससे पूरा पूरे उर्दू बोलने वाले जो है ना शर्मिंदा रहते थे। तो कम से कम हमने उनको एक हमने पहली दफा उनको डिटैच किया, हमने पहली दफा उनको जो ये ऑप्शन दिया है कि वो कम से कम एक आदमी के साथ टैग हुए में ना कर, हमने उनको एक ऑप्शन दिया, हमने एक नया हमने एक उनको उनको एक नई नई जगह दी है, उनको एक नई शनाख्त दी है। आज जो लोग आ रहे हैं सुबह से शाम तक वो जो बातें कर रहे हैं, काश आपको मैं यहाँ पे कैमरे लगाकर आपको सारी बातें सुनवा सकता और करा सकता। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि हम तो ये हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता था कि 11 दिन आप उससे बैठकर कनाडा से इस तरह से मुझसे बात कर रहे होंगे। हम तो ये सोच कर आए थे कि भाई हम बात करेंगे, कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा शायद, लेकिन हमने ये बात करनी थी। लेकिन अल्लाह ताला दिलों में डालने वाला है, हमारा वही काम है, हमें मैं मरने के बाद अल्लाह ताला को जवाब दे देता कि भाई मेरा काम अल्लाह मियां दावत देना है, आवाज लगाना है,
हिदायत देना तो खुदा ताला का काम है, अल्लाह का काम है हिदायत देना। किसको वो जो है वो हमारी बात समझाता है, किसके दिल में डालता है, किसके दिल में नहीं डालता, हमने उसे पता है, ऊपर वाले को पता है कि हम जो बात कर रहे हैं आया कि सच है या झूठ है। और यहाँ के लोग इस बात के बैठने से, जो लोग आ रहे हैं जिनको मैं नहीं जानता, दूर दूर से तमाम लोगों से कौन है ये सब चीजें, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला अब हम पर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हमारे शोल्डर्स के ऊपर, कि अब हमें इन लोगों की जो होप है क्रिएट हो गई है, उनकी होप को हमने जो है वो एक ऐसी सुबह देनी है, एक ऐसा रास्ता दिखाना है जहाँ से अगली फ्यूचर जनरेशन जो है ना उर्दू बोलने वालों का या महाजर का, तो आपकी और उनकी पार्टी का जो एक फाउंडेशन है उसमें क्या डिफरेंस? बदर मुजीब चौधरी फ्रॉम जियो टीवी। दोनों की पार्टीज की फाउंडेशन सेम है या कुछ आप अलग है टैग आपके पास महाजर का जो टैग? नहीं, ऐसा है कि हमने हमने नेशनल पार्टी की बुनियाद डाली है पूरे मुल्क के लिए, इट इज गोइंग टू बी इट इज अ नेशनल पार्टी। और जो कराची के लोग हैं, उर्दू बोलने वाले लोग हैं, जो एक आइसोलेशन में जा रहे हैं, हमने पूरे मुल्क से को जोड़ना है, इस गैप को ब्रिज करना है। और हमने पूरे पाकिस्तान की बात करनी है, हमने पूरे पूरे सिंध की बात करनी। इसलिए देखिए आप हमारे दमने जो एक आउटलाइन दिया उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा लोकल प्योर डिवोल्व प्योरली डिवोल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। दैट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, आई एम नॉट एनविजनिंग दैट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम फॉर कराची ओनली और हैदराबाद और सब कर नहीं, दैट इज कॉन्सेप्ट इज फॉर द एंटायर पाकिस्तान। वो पूरा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो पूरे एक गली कोटो गांव के लिए, और वो आज का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही जो बिल्कुल फ्रॉड है, 2001 का भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं जो कि इससे अच्छा था, लेकिन मैं उसको भी नहीं मानता। मैं तो बिल्कुल से आगे की बात करता हूँ कि जहाँ पे यूनियन काउंसिल के लेवल पे एक गली के लेवल पे पानी पीने के पानी का अख्तियार, सीवेज के निजाम का अख्तियार, पार्क का अख्तियार, स्कूलों का अख्तियार, हॉस्पिटल का अख्तियार, लोकल कम्युनिटी पुलिसिंग का अख्तियार, कम से कम ये 7-8 ऐसी चीजें हैं जिनका अख्तियार एक यूनियन काउंसिल लेवल पे होना चाहिए। किसी को मुस्तफा कमाल की एक्सपाइजी की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आप सिस्टम ऐसा लाते हैं पूरे पाकिस्तान में कि ये पर्सन शुड नॉट मैटर, तो हम उसके लिए स्ट्रगल करेंगे इंशाल्लाह, हम उसके लिए जद्दोजहद। तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए। फिर हमने नेशनल अर्बन प्लानिंग की बात की कि देखें दुनिया में नेशनल अर्बन प्लान है, दुनिया में नई माइग्रेशन हो रही है, दुनिया में इन्फ्लक्स जो है वो रूरल से अर्बन की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान में कोई प्लानिंग ही नहीं है। Nobody speaks about making new, creating new cities. इसी वजह से आप देखेंगे जो existing शहर है वो abnormal तरीके से जो है उसकी वो फूटते चले जा रहे हैं, वो एक्सपेंड होते चले जा रहे हैं, वहां पर कच्ची आबादियां बनती चली जा रही है, वहां पर लोग तो आना बंद नहीं हो रहे हैं। दुनिया का ट्रेंड है कि 70% लोग आज जो है वो अर्बन सेंटर में रह रहे हैं दुनिया में, 70% और 10 years down the line 85% लोग जो है वो माइग्रेट कर जाएंगे दुनिया भर में। पाकिस्तान is not an exception. तो there has to be an urban national plan, otherwise आपकी existing cities भी जो है वो दुनिया पाकिस्तान की वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो नहीं, हमारा पूरा एजेंडा जो है वो नेशनल एजेंडा है। हमने अपने लोगों को कहा है कि इसलिए परचम उठाया कि वो किसी को हमारा मानने वाला है उस पर लाजिम है कि पीटीआई के वर्कर और पीटीआई के लोगों के साथ भी इज्जत से पेश आए, उससे नफरत ना करें। वो पीपल्स पार्टी से भी इज्जत से पेश आए, वो बीएमएलएन से भी इज्जत से पेश आए, वो शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी वो किसी में तफरीक ना करे, वो बाइंडिंग फोर्स बने, अपने पैगाम से हटे नहीं, दूसरों को सुनने का जज्बा पैदा करे, दूसरों को सुने, उससे नफरत ना करे, उससे मुखालफत बराए मुखालफत ना करे। उसके अगर कोई बुरा भी आदमी है तो उसकी बुराई से नफरत करें, उसके उस इंसान से नफरत ना करें, उसके गले में हाथ डालें, उसकी बुराई को ठीक करने की कोशिश करें। तो हमें सोसाइटी बनानी है सर, हमें नई सोसाइटी बनानी है। बहुत ज्यादा जो है वो तफरका बढ़ गया, बहुत ज्यादा टूट फूट पड़ गया, हमने जो है वो लोगों को जोड़ना है, हम लोगों को तोड़ने के लिए नहीं आए। अच्छा मुस्तफा कमाल सर, ये बताइए आपके जराए क्या कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन की अभी तबीयत कैसी है, और आपकी अपनी ख्वाहिश क्या है कि एक सेहतमंद अल्ताफ हुसैन से मुकाबला करना चाहते हैं या एक अलील अल्ताफ हुसैन से?
अल्ताफ हुसैन साहब अगर अलील होते तो मुस्तफा कमाल का डीएनए है ही नहीं ये कि मुस्तफा कमाल यहाँ पर वापस आता, बिल्कुल नहीं आता। मुस्तफा कमाल अगर अल्ताफ हुसैन अलील और बिल्कुल चाक और चौबंद और जितनी उनकी सेहत है उनकी, देखिए उन्होंने कौन सा आकर जो है वो रेसलिंग WWF क्या कहते हैं रेसलिंग कर दी उन्होंने, वो तो अपने घर से जो है वो ऑफिस नहीं आते 6-6 महीने, उन्होंने तो बिस्तर में पड़े रहना है, उसके ऊपर एक टेलीफोन है, उंगली दबानी है, उन्होंने टेलीफोन मिल जाए ना और आवाज निकालनी है, उन्होंने खड़े नहीं होना, उसके लिए उनके पास बहुत इनफ एनर्जी है और अभी वो नहीं जाने वाले कहीं भी। अभी लोग अगर वो ये हो गया जो आप कह रहे हैं तो लोगों का इम्तिहान कैसे होगा, मुस्तफा कमाल का इम्तिहान कैसे होगा, फारूक सत्तार का इम्तिहान कैसे होगा कि मैं अल्ताफ हुसैन को खुदा मानूं या खुदा को खुदा मानूं। लोग तो अभी भी नौजुबिल्ला शेयर कर रहे हैं मौत, हम भी करते थे कि हमें डर लगता था मर जाएंगे, जिंदगी वो देने वाले, हमें डर लगता था बेइज्जत हो जाएंगे, हमें डर लगता था नौकरी चली जाएगी। भाई जिंदगी देना, मौत देना, इज्जत देना, जिल्लत देना, रोजगार देना, रिस्क देना, ये सब अल्लाह ताला की सिफात है, ये सब अल्लाह ताला की सिफात है, कोई इंसान नहीं दे सकता है, कोई इंसान नहीं दे सकता है। तो हमने उसके बाद ये फैसला किया कि नहीं भाई मौत तो वैसे भी आ सकती है, एक्सीडेंट में भी आ सकती है, एक डेंगू वायरस का मच्छर आएगा काटेगा इंसान मर जाएगा, तो जरूरी अल्ताफ हुसैन अपने टारगेट किलर भेजेंगे तो मरेंगे हम नहीं भाई, अगर मौत आनी होगी तो मर जाएंगे, अगर अगर अल्लाह मारना चाहेगा तो बिल्कुल वो आप बिल्कुल इस बात की बात से बेफिक्र है, वो बिल्कुल चार को चौबंद है, वो शाज बशाज है, आजकल जो है वो हमारे आने के बाद ज्यादा खिताब कर रहे हैं, अब दिन में 3-4 दफा अपने कारकुनान से खिताब कर रहे हैं, तो वो भी है, वो भी है, और अभी इश्क ध्यान अभी और बाकी है, अभी वो नहीं जा रहे। आपके पास 3:15 हो रहे होंगे सब रात के, अभी 3:15 हो रहे हैं, ट्रस्ट मी कि अभी भी नीचे लोग इंतजार कर रहे हैं। तो विल टेक लास्ट टू क्वेश्चन, थैंक यू जी। मुस्तफा साहब ये बताइएगा कि अकीम सईद और वली खान बाबर के कातिलों का जिसे कहते हैं ना सिरा कहाँ पे जाके मिलता है? अपनी जो है वो राय बनाए मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है जिसकी बिना पर मैं कोई ये बात कर दूं कि उनका कातिल कौन है। अच्छा ये बताइए अपना, जैसे कि आप एक नई पार्टी लेके आ रहे हैं तो वो कारकुन एमक्यूएम के जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे उनके ऊपर जो केसेस बने हुए हैं, हजारों की तादाद में ऐसे कारकुन हैं जिन पे मुख्तलिफ केसेस बने हुए हैं, उनका क्या होगा? देखिए मुझे पैसे दे दीजिए। एक तो हमने एमक्यूएम के कारकुनों को टारगेट नहीं करे, नंबर 1 जी। नंबर 2 ये कि आपने मेरी 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 मीडिया टॉक सुनी होगी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जी। मैं कह रहा हूं कि इन लोगों को टारगेट किलर या केसेस सर इनको किसने तरबियत दी है, किसने बनाए, अपनी माँ के पेट से जो है वो ये टारगेट किलर पैदा हुए थे आकर यही यहाँ आकर टारगेट किलर रहे, इनको रॉन्ग एजेंट किसने बनाया, ये अपनी माँ के पेट से रॉन्ग एजेंट बनकर आए थे। इसलिए मैं कहता हूँ अरबाब इख्तियार से पाकिस्तान की स्टेट से कि खुदारा एक दफा सेंस प्रिवेल करना चाहिए, ये बहुत शुरू हो गया सारा, इन सब लोगों को एक ऐसा पैकेज दें आप, एक रिहैब करें इनको, इनको कि ये माशरे का माशरे के अच्छे फर्द अच्छे शहरी दोबारा बनाना है हमें। लोग ये तराश करें कि शायद आप अपने पास ले रहे, मैं आपको आपकी तवसुस से दुनिया को बताना चाहता हूं कि एक आदमी भी मुझे मेरे पास ना आए, मुझे एक आदमी भी इनमें से नहीं चाहिए, मुझे एक भी इनमें से कारकुन नहीं चाहिए जो उनके पास, लेकिन मैं कहता हूं अपनी माओ के पास भेजे इसको, इनको अपने बच्चों के पास भेजे, अपनी बहनों के पास भेजे, इनको अपने खानदान में वापस भेजे, अपने दोस्तों के पास, अपनी सोसाइटी में इनको वापस भेजे। खुदारा ये बहुत जुल्म हो गया सारा, और हमारे मुल्क में अभी बड़ी हालिया एक बड़ी अच्छी प्रेसिडेंस मौजूद है कि एक एमनेस्टी दी गई है बलूचिस्तान में बीएलए के लोगों को, क्योंकि आर्मी से बाकायदा पाकिस्तान आर्मी से लड़ रहे, पाकिस्तान आर्मी से जंग कर रहे थे, उनको पहाड़ों से उतार कर ये सारी एमनेस्टी दी गई है। मैं समझता हूं कि कोई पैकेज बनाना बहुत जरूरी है, कोई पैकेज बनाना, कोई एक स्कीम बनाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये लोग आप जो जो बनाने वाला है ना आप उसको कसूरवार करें, जो बनने वाला है जो 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 ब्रेन वॉश जिसका हुआ है सारे दिन उसको मैं समझता हूँ कि एक मौका और देना चाहिए। मुतवर साहब ये समझते हैं आपके परवेज मुशर्रफ साहब आपके साथ शामिल हो जाएंगे? हाँ?
अगर वो सेहत याफ्ता हो भी जाए तो सपोज के वो आपके साथ शामिल होंगे तो आपको एतराज होगा इसमें या आप कुछ मना करेंगे उनको? एक कोई क्वेश्चन है कि कितने लोग और आने वाले हैं? इंटरव्यू बहुत स्लो हो रही है अभी आपके, हम देख रहे हैं। I don't trust नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि कितने लोग आने वाले हैं। हम किसी को कांटेक्ट कर ही नहीं रहे। जब कोई कांटेक्ट करता है बोलता है आने वाले हैं, उस दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कोई नहीं कर रहा तो फिर वो कितने लोग आ रहे हैं? लोग आ ही रहे हैं। नहीं, जब कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा जो एम पी एम एल ए वाला से लोगों से, तो लोग ऑटोमेटिक खुद ही आ रहे हैं। कोई तो होगा ना, करना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। आपको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं सर, वो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, वहां से रहा हम नहीं कर रहे, वो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ सबसे एक बात, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन बताएं मुझे, हर पॉलिटिशियन जो अपनी पार्टी से जुदा होता है वो एक नई पार्टी बनाता है, क्या उसको और कोई काबिल लोग नजर नहीं आते? और ये पता नहीं आपके ऊपर ये मिसाल सही है या नहीं कि नौ सौ चूहे खा के हर को चले, तो ये जो भी पॉलिटिशियन शुरू में अल्लाह का नाम ले लेके लोगों को परेशान कर देता है, बात ये अल्लाह कहाँ जाता है? आपके जहनों में नहीं रहता या भूल जाते हैं कि अवाम क्या है और खुदा ने क्या कहा? जितना मैं आपकी बात समझ सकूं, बहुत आपने आपकी बहुत स्लो आवाज थी, लेकिन आप मैं जितनी आपकी बात समझ सका हूँ उस पर मैं जवाब देता हूँ। जी बिल्कुल, अल्लाह पहले भी याद था, और अल्लाह याद था तो मैंने अपनी सेनेटरशिप छोड़ी है सर, अपना घर छोड़ा और अपने मुल्क को छोड़कर चला गया। अल्लाह याद था ना, अल्लाह याद था, उस वक्त मैंने ये वाली बात नहीं की थी। अल्लाह याद था तो जब भी जो है वो हमने अपने दौर में लोगों को चोरी का मौका, जो पाकिस्तान मशहूर है कि जो उसने चोरी उसी ने नहीं की जिसको चोरी का मौका नहीं मिला, हमें तो टकेती करने का मौका मिला था। अल्लाह याद था तो 300 अरब रुपए में से 3 रुपए में उठाए, और जो वो जब मैं निजामत छोड़ रहा था तो किराए का मकान ढूंढ रहा था निजामत, जब मैं मेयर था मेरा अपना मकान मुझे बेचना पड़ा अपने खर्चे के लिए, ठीक है। इस शहर में इतना बड़ा शहर है, वहां पर मैंने कोई ना एसटी घेरी, ना कोई शादी हॉल बनाया, ना कोई पेट्रोल पंप बनाया। अल्लाह याद था तो ये किया, फिर अल्लाह याद है तो मैं आज यहाँ पर लोगों को अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़कर आया हूँ यहाँ पे, मैं लग्जरियस लाइफ। बट एट द एंड ऑफ द डे अगेन मैं कहता हूँ कि आपकी राय बिल्कुल आपको हाथ में सवाल था, मैं ये मुकदमा अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ कि अल्लाह ताला हशर के दिन मेरे और आपके दरमियान ये फैसला करे कि मैं अगर आज यहाँ पर ये मुनाफ़त कर रहा हूँ, मैं अगर आज यहाँ पर मैं झूठ बोल रहा हूँ और मेरी नीयत में कुछ खूब है, तो मैं ये आज के दिन को यहीं पे खत्म करते हुए कहता हूँ कि मेरे और आपके दरमियान अल्लाह ताला हशर के दिन ये फैसला करे कि कौन सही था और किसका कौन गलत है। कनाडा में मौजूद पाकिस्तानियों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप मुख्तलिफ किस्म की कॉन्स्पिरेसीज में बराए मेहरबानी खुदारा जो है वो जो आप हमारे की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखते हैं उसका शिकार प्लीज ना हो। आप इस चेंज को एक चांस दें, हमने अब तक सब कुछ लुटाकर ये सारा काम किया है। मुझे कोई हमें हमारे साथियों को पर्सनल गेम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन खुदारा पाकिस्तान को एक दफा दोबारा जुड़ने में हमारी मदद करें, जोड़ने में मदद करें। मैं कहता हूँ आप हमें हमारी बात ना माने, बिल्कुल ना माने, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं अपने लोगों से कह रहा हूँ कि नफरत खत्म कर दें। आपको क्या प्रॉब्लम है ये बात मानने में? मैं आपसे कह रहा हूँ कि सोसाइटीज के डिफरेंसेस खत्म कर दें। आपको क्या प्रॉब्लम है इस वाली बात को मानने में? मैं कहता हूँ भाई अगर आपको वोट नहीं देना, मुझे मत दे वोट, कल को हम आपसे वोट डालें, लेकिन हमें हमारी हमारी सोसाइटी को जेल करने में, सीमेंट करने में, आपस में जोड़ने में बराए मेहरबानी हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया सुबह भाई, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्तफा कमाल जिंदाबाद। दो सवाल मजीद है लेकिन वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मैं करूंगी, क्योंकि बहुत अहम सवाल है। तो मॉर्निंग शो करो, हाँ मॉर्निंग शो इंशाल्लाह, आपको लाइव मॉर्निंग शो पे कनाडा में एक बुलाओ, रावल टीवी में इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। ओके थैंक यू, शुक्रिया आपका, बहुत जबरदस्त जवाब। I love it.